हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज़ क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अ शॉर्ट बट वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट इज़ द एजुकेटेड फुलिश फ्रेंड्स. मीन्स एजुकेटेड यानी पढ़े लिखे शिक्षित, बट फुलिश फ्रेंड्स मूर्ख दोस्त. पढ़े लिखे होने के बावजूद दे आर ओवर कॉन्फिडेंट, एक्चुअली दैट्स वाई दे आर फुलिश. सो कॉन्फिडेंस इज़ गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड, इट्स वेरी हार्मफुल फॉर अस. ओके, सो स्टोरी के थ्रू हम पूरा एक एक वर्ड एक्सप्लेन करके देखेंगे हिंदी में. इंग्लिश स्टोरी है बट हम इसे हिंदी में एक्सप्लेन करके मैं आपको एक एक वर्ड बताऊंगी अच्छे से. इससे आपका वकैब, प्रोनंसिएशन, रीडिंग अच्छी होगी. जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, किड्स हो, या फिर जो भी बच्चा या फिर जो पर्सन भी अगर चाहता है इंग्लिश सीखना, तो बहुत ही राइट और करेक्ट स्टेप है ये स्टोरीज के थ्रू इंग्लिश सीखना, क्योंकि इंटरेस्टिंग होता है और इसके थ्रू आप बहुत सारे डायलॉग्स, बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखते हो. ओके, और किस तरह से किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे रीड करना है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो मैं आपको पूरा रीड करके एक वर्ड बताती हूँ. ओके, एक्सप्लेन करके. वंस देयर वर फोर फ्रेंड्स, एक बार चार दोस्त थे. ऑफ देम थ्री वर हाईली एजुकेटेड, उनमें ऑफ देम यानी उनमें तीन तो हाईली यानी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे. एंड वन वॉज मीडियोकर, मीडियोकर मीन्स मीडियम, ठीक है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, एवरेज था. वन डे, एक दिन, दे डिसाइडेड टू ट्रेवल टू अ न्यू लैंड एंड टू डिस्प्ले देयर एजुकेशन. एक दिन वो डिसाइड करते हैं ट्रैवल करने का एक नए लैंड में, एक नए देश में, ताकि वो अपने एजुकेशन को डिस्प्ले कर सके, देख सके, दिखा सके कि चलो हम दूसरे देश में जाते हैं और अपने एजुकेशन को, जो शिक्षा प्राप्त की है, उसे देखते हैं. ठीक है. एट फर्स्ट दे डिसाइडेड नॉट टू टेक द फोर्थ फ्रेंड. स्टार्टिंग में, फर्स्ट यानी स्टार्टिंग में उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि जो फोर्थ फ्रेंड है, जो एवरेज है, मीडियोकर है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उस फ्रेंड को हम साथ नहीं लेते हैं. दे डिसाइड नॉट टू टेक द फोर्थ फ्रेंड विद देम, अपने साथ वो लेने का उसको नहीं सोचते हैं. बट लेटर दे डिड, वो उसको साथ में उसको भी ले लेते हैं. स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, एक ही वर्ड को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो सब वर्ड्स का मीनिंग समझते जाइए, तभी आपके लिए हेल्पफुल होगा इंग्लिश को समझना. और आपके हर एक वीडियोज़ अपलोडेड हैं, डाइजेस्ट आंसर्स अपलोडेड हैं, मैंने प्रोवाइड किया हुआ है. आप सजेशन दे सकते हो कि मैं इसमें किस तरीके से और पढ़ा सकती हूँ, क्या चेंजेस कर सकती हूँ. आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए. ओके, चलिए देखते हैं आगे. वन ऑफ देम सॉ अ हिप, जस्ट वेट, वाइल्ड ट्रैवलिंग. वाइल्ड ट्रैवलिंग यानी ट्रैवल करते हुए, या फिर ट्रैवलिंग के दौरान. देवर पासिंग अ फॉरेस्ट, वे पास किए, वे पास कर रहे थे क्या, एक जंगल, वे एक जंगल पास कर रहे थे. वन ऑफ देम सॉ हीप ऑफ बोन्स, उनमें से, वन ऑफ देम उनमें से एक ने क्या देखा, हीप यानी ढेर देखा, किसके, बोन्स के, बोन्स के उसे ढेर मिला, यानी हीप यानी ऐसे ढेर, इकट्ठा. दे डिसाइडेड टू पुट देयर एजुकेशन टू प्रैक्टिस. दे डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया कि अपने एजुकेशन को वो प्रैक्टिस में लाते हैं, यानी प्रैक्टिकल करके देखते हैं जो हमने सीखा है. ठीक है. द फर्स्ट फ्रेंड सेड, फर्स्ट फ्रेंड यानी उन चारों में से पहले दोस्त ने बोला, दीज बोन्स बिलोंग टू अ लायन, ये बोन्स तो शेर के हैं. ही पुट द बोन्स टूगेदर टू मेक अ स्केलेटन. ही पुट द बोन्स, उसने बोन्स को क्या किया, एक साथ में उसने लाया और स्केलेटन ऐसे तैयार कर दिया लायन का, और उसने बोला ये तो शेर के हैं. द सेकेंड फ्रेंड गेव हिम फ्लैश ब्लड एंड स्किन, तो उसने अपनी विद्या से क्या किया, एक ने तो सारे इकट्ठे कर दिए, मतलब एक एक बोन्स कहाँ पर आएगा, पूरा अपने उसने विद्या से, अपने एजुकेशन से उसने बना दिया उसका पूरा स्केलेटन, जैसे जहाँ पर होना चाहिए, जो बोन्स जहाँ पर होना चाहिए उसने वो सब बना दिया. सेकेंड फ्रेंड ने क्या किया, सेकेंड फ्रेंड ने उसे फ्लैश यानी मांस दिया, ब्लड और स्किन दिया, ये सब अपने जादू से दे रहे हैं वो. ठीक है, मैजिक जो पहले के टाइम पे लोग, गुरु लोग सिखाते थे अपने अपने प्यूपल्स को, अपने स्टूडेंट्स को, वो है. बच्चे देखो, ये जो हम सीख रहे हैं ना, ये पंचतंत्र की कहानियाँ से हैं. तो पंचतंत्र की कहानियाँ में कैसे, उसे इंडियन राइटर ने ही लिखा है, तो यहाँ की ही चीज़ें लिखी उन्होंने, इसीलिए आपको सब कुछ एनिमल्स पे बेस्ड आपको सारी स्टोरीज मिलेंगी और सब कुछ
क्योंकि इंडियन ने लिखा है तो उस तरीके के सारे स्टोरीज़ हैं। ओके सो यहाँ पे आपको ये सारे स्टोरीज़ आपको एग्ज़ाम में भी आता है, फिफ्थ टू टेंथ पूछा जाता है, कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं और उस पर आपको बोला जाता है गिव अ टाइटल एंड मॉरल ऑफ दिस स्टोरी एंड कम्प्लीट स्टोरी, राइट। सो आपको कम्प्लीट करना होता है उसको, तो बहुत ही हेल्पफुल होगा इन सारे स्टोरीज़ को देखना, क्योंकि यही सारी स्टोरीज़ जो फेमस स्टोरीज़ हैं यही सब आती हैं, अलग से कोई स्टोरीज़ नहीं देते वो लोग, यही सारी स्टोरीज़ होते हैं। तो एक बार आप अच्छे से यहाँ पे अगर ये सोचोगे कि चाहे स्टोरी अच्छे से सुन ले या फिर इंग्लिश सीखने के लिए, तो आपको एग्ज़ाम में भी कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम कंफर्म नहीं होते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम में आ जाएगा, कोई भी आ जाता है। तो अगर आप ये सारी स्टोरी सुने रहोगे अच्छे से कि वर्ड जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, तो आप ज़रूर कम से कम फाइव नहीं तो कम से कम 3 मार्क्स तो ला ही दोगे। अगर आपको बिल्कुल नहीं याद होगा सडनली आ गया एग्ज़ाम में, पर आपने इसी में से पढ़ा हुआ है तो आपको वो ईजिली समझ में आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है और आपको एग्ज़ाम के लिए भी सही है, स्टोरी एज अ एंटरटेनमेंट के लिए तो अच्छा है ही वेकेशन के लिए। ओके चलिए देखते हैं। ओके सेकेंड फ्रेंड उसे फ्लैश ब्लड और स्किन प्रोवाइड कर दिया। द थर्ड वॉज अबाउट टू पुट लाइफ इन द बॉडी, यानी स्केलेटन बनाया, उसे पूरी बॉडी दे दी, प्रॉपर शेप दे दिया। अब थर्ड वाला क्या करने वाला था, उसको उसके पास विद्या थी लाइफ देने की, बॉडी में लाइफ जान डालने की उसके पास विद्या थी। थर्ड वॉज अबाउट टू पुट लाइफ, थर्ड वाला जो था उस बॉडी में जान डालने ही वाला था उस लाइन की बॉडी में। तभी फोर्थ फ्रेंड चिल्लाया, शाउटेड एंड चिल्लाया, वेट इट माइट बी डेंजरस टू गिव हिम लाइफ, वेट यानी रुको ठहरो, ये डेंजरस खतरनाक हो सकता है उसे लाइफ देना, बिकॉज इट्स लायन। ओके द अदर्स लाफ्ड एट दिस, बाकी के इस बात पे हंस पड़े। सो द फोर्थ फ्रेंड इमिडिएटली क्लाइम अ ट्री, तो बोलता है रुको रुको ठीक है तुम लोग करो लेकिन मेरे को पेड़ पे चढ़ जाने दो। सो द फोर्थ फ्रेंड इमिडिएटली तुरंत क्लाइम्ब यानी चढ़ गया पेड़ पे। तो इस बात पे ना इसमें शॉर्ट में दी गई है, बट ये स्टोरी मैंने पढ़ी है तो इसमें क्या होता है सब लोग हंसने लगते हैं कि डरपोक है डरपोक ऐसे करके हंसने लगते हैं, तब भी वो चढ़ जाता है कि ठीक है डरपोक मैं मरने से अच्छा डरपोक कहलाऊँ, ठीक है तुम लोग मजाक उड़ाओ, तो वो चला जाता है पेड़ पे। एज सून एज द थर्ड फ्रेंड पुट लाइफ इन द लायन ही पाउंस्ड ऑन द थ्री फ्रेंड्स एंड एट देम, एज सून एज जैसे ही थर्ड फ्रेंड ने लायन में लाइफ डाली जान डाली, ही पाउंस्ड उसने अटैक किया झपट्टा मारा ऑन थ्री फ्रेंड्स तीनों दोस्तों पर एंड एट देम और उन्हें खा गया। ओके सो इसका हिंदी में भी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, इसका हिंदी में शॉर्ट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, सो डोंट वरी, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको शॉर्ट्स वीडियो भी इसका प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ पे भी देख सकते हो सारे डाइजेस्ट आंसर एक्सप्लेनेशन सारे अपलोडेड हैं। इवन लैंग्वेज के तीनों राइटिंग स्किल्स के अलग अलग वीडियोज़ हैं, उसमें राइटिंग स्किल में आपको निबंध वगैरह सब मिल जाएंगे, जितने भी आपको आते हैं तीनों की बात कर रही हूँ मैं, सब आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो पूरा हिंदी में दिया हुआ है, आप मैच कर सकते हो लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन बाय लाइन मैच कर सकते हो। ओके